रेड so डियर और जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए टॉपिक का वो हमने इससे पहले वाले पार्ट में देखा था एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विद कोर्ट्स बिहेवियर और दी रिप्रोडक्टिव बिहेवियर ऑफ यू गांडा कॉब वैसे ये रेड डियर के कंसेप्ट में ही आना था बट ड्यू टू तो समेनिकल इशूस वो uh, ये वाला जो पोर्शन है प्रीवियस पोर्शन में नहीं आ पाया सो वी आर कवरिंग इट हियर सो युगांडा कॉब जो होता है एक डियर जैसा ही दिखने वाला एक एनिमल होता है इसकी बात करें तो इनमें जो मेल होते हैं मेल युगांडा कॉप जो होते हैं वो क्या करते हैं कुछ ऐसे विजुअल सिग्नल सेंड करते हैं जिससे कि वो फीमेल्स को अट्रैक्ट कर सके एल्योर कर सके तो हो क्या रहा है बेसिकली ये मेल है and this is a female okay female को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं and male को ऐसे so अब ये जो मेल होता है ये फीमेल को क्या करने की कोशिश करता है एल्योर करने की कोशिश करता है एल्योर यानी अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है वो भी कैसे विजुअल सिग्नल्स के थ्रू विजुअल सिग्नल्स के थ्रू ऐसे सिग्नल सेंड करेगा जो कि फीमेल देखेगी एंड देन वो इस मेल युगांडा कोब की तरफ अट्रैक्ट होगी जैसे डियर दिखाई देते हैं ना उसी तरह से ये युगांडा कोब दिखने में रहते हैं अगर आप इसको नेट पे सर्च करेंगे तो आपको इसका डायग्राम बहुत अच्छे से इजीली मिल जाएगा तो यू कैन चेक इट आउट अब दूसरी बात समझिए पर कि ये फीमेल को विजुअल सिग्नल सेंड करके उसको अलोर करने की कोशिश करते हैं फॉर मेटिंग जैसे ही फीमेल युकांडा कॉप जो होती है आ, होता क्या है यहाँ पर ये जो मेल होता है पहले तो इसकी टेरिटरी बना के रखता है ठीक है तो अब ये फीमेल को दूर से इसने सिग्नल भेजे अपने टेरिटरी में रहते हुए सिग्नल भेजता है तो जो फीमेल होती है इसकी तरफ अट्रैक्ट होती है तो ये जो फीमेल रहती है ये बाहर से उसके सिग्नल्स को देखती है और इसकी जो टेरिटरी होती है मेल की जो टेरिटरी होती है उसकी तरफ अप्रोच करने की कोशिश करती है धीरे धीरे ये जो कहना चाहिए मेल रहता है वो आ, देख लेता है कि फीमेल वहां पर उसकी टेरिटरी में आई है तो वो क्या करता है उसके जो पॉ होते हैं पॉ उसके पैर का जो रीजन होता है उसको पॉ बोलेंगे पी ए डब्ल्यू तो उसके पॉज के थ्रू जो ग्राउंड होता है उसके ऊपर कुछ ब्लैक स्ट्रिप्स को बनाने लगता है और उसको डिस्प्ले करने की कोशिश करता है जो कि उसके फोर लेग्स पे होते हैं यानी कि कहीं ना कहीं

एक व्हाइट पैच होता है वाइट पैच उसको भी शो करता है फीमेल को अपने हेड को रेस करके ये दो चीजें कर रहा है वो बेसिकली यहाँ पर अब उसके बाद ये सारी चीज हो गई इसके बाद क्या होता है जो मेल रहता है वो फीमेल को साइड um, वाइज um, उसको टच करने की कोशिश करेगा रिपीटेडली विथ वन ऑफ हिज फोर लेग्स उसके फोर लेग्स के थ्रू वो फीमेल को वहां पर टच करता है सो दैट ही कैन मेट विथ हर एंड जो फीमेल रहती है अगर वो वहां से चली जाती है तो अगर शी इज नॉट इंटरेस्टेड तो वो वहां से जाएगी इसकी टेरिटरी में पहले तो वो यहां तक आ गई थी लेकिन देन वो जाने लगेगी तो मेल उसको पीछे से उसका पीछा भी करने की कोशिश करेगा सो दैट ही कैन स्टॉपर और जो भी प्रोसेस है वो सारी चीजों के लिए लेकिन आ, अगर मान लीजिए फीमेल इस टेरिटरी को छोड़कर इस टेरिटरी से बाहर की तरफ चली जाती है तो मेल वहां फिर टेरिटरी को छोड़कर बाहर उसको आ, अप्रोच करने की कोशिश नहीं करता सिर्फ जितना टेरिटरी वाला पोर्शन है सिर्फ वहीं तक वो उस टेरिटोरियल बाउंड्री में ही उसके लिए अः कोशिश करता है ये वाली बात आपको यहाँ क्लियर होना चाहिए और वो टेरिटरी के बियॉन्ड बिल्कुल नहीं जाता सिर्फ टेरिटरी तक ही वो वहां पर उसको एल्योर करने की कोशिश करेगा देन कुछ भी नहीं है फिर उसके बाद ये तो बात हो गई युगांडा कॉब की हम इसको यहाँ पर कंप्लीट करते हैं आज हम लोग एक न्यू टॉपिक के साथ स्टार्ट कर लेते हैं कोर्टशिप एंड मेटिंग जो कि नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स में किस तरह से होती है आज हम उसके बारे में थोड़े बहुत कंसेप्ट ले लेंगे नॉन ह्यूमन प्राइमेट वॉट यू मीन बाय नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स प्राइमेट्स तो देखिए हम भी हैं लेकिन हमारे अलावा ऐसे प्राइमेट्स जो कि नॉन ह्यूमन यानी ह्यूमन नहीं है आज हम उन प्राइमेट्स के बारे में जैसे मंकी एब्स गोरिल्लास ये सभी भी प्राइमेट्स है लेकिन ये ह्यूमन नहीं है उनके बारे में उनके रिप्रोडक्टिव बिहेवियर के बारे में कुछ स्टार्टिंग कर लेते हैं अब यहाँ पर क्या होता है कि नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स की बात करें तो मेल ज्यादातर इंटरेस्टेड दिखाई देते हैं फीमेल के अंदर और फीमेल भी ऑन द कॉन्ट्रास्ट अगर हम बात करेंगे मेल में इंटरेस्टेड रहेगी लेकिन जो फीमेल की विलिंगनेस होगी उसको मेल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि फीमेल रेडी है या नहीं ये चीज फीमेल पर डिपेंड करेगी सो तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं कोर्टशिप के और मेटिंग के प्राइमेट्स के अंदर तीन तरह की यूनिट्स होती है बिहेवियर की जो कि डिपेंड करती है न्यूमरस एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स पर लेकिन मेनली हॉर्मोनल लेवल्स बहुत रोल प्ले करते हैं इन सारी चीजों में तो हार्मोन्स कौन से होते हैं उसका नाम लिख लेते हैं एक तो हो जाएगा इस्ट्रोजन इस्ट्रोजन फाइन फिर उसके बाद एक हो जाएगा प्रोजेस्ट्रॉन प्रोजेस्ट्रॉन देन हो जाएगा टेस्टेस्टोरॉन

ठीक है फिर उसके बाद ये तो बात हो गई इतनी ये सारी चीजें क्या होती है हर इंडिविजुअल के ब्लड में होती है हम अभी किसकी बात कर रहे हैं बेसिकली मैं प्राइमेट्स के बारे में बात कर रही हूँ प्राइमेट्स में हॉर्मोन्स का बहुत ज्यादा रोल प्ले होता है अब ये जो हॉर्मोन्स होते हैं वो हार्मोन्स के नेम हमने यहाँ पर मैंशन कर दिए ये जो हॉर्मोन्स होते हैं इनका हर इंडिविजुअल में अच्छा खासा रोल प्ले होता है और मेल का जो इंटरेस्ट होता है फीमेल में और जो फीमेल का इंटरेस्ट होता है मेल में ये दोनों ही चीजें किस पर डिपेंड करती है कि मैंस्ट्रल या फिर ईस्ट्रा साइकिल फीमेल प्राइमेट की कब है या फिर उससे कंस रहती है सारी चीजों में यही चीज इंपॉर्टेंट रहेगी कि अगर नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स है तो उनमें तो स्ट्रस साइकिल होती है उसका ऐसे लिखते हैं स्ट्रस साइकिल जैसे मंकी काऊ बफेलो ये सारे जो एनिमल्स होते हैं इनमें क्या होती है ईस्ट्रा साइकिल होती है वैसे अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में कौन सी साइकिल होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी हॉर्मोन्स पूरी तरह से चेंज होते हैं एक ओव्यूलेटरी फेज आएगा ओव्यूलेटरी फेज के टाइम पे जो भी मेटिंग प्रोसेस रहेगी उसके बाद वहाँ जाइग्रोड फॉर्मेशन हो सकता है ईस्ट्रा साइकिल्स में भी इसी तरह से कुछ ना कुछ प्रोसेस रहती है जैसे हीट पीरियड होता है अगर आपको ईस्ट्रा साइकिल्स के बारे में नहीं पता है देन यू कैन कमेंट मी डाउन हम लोग कमेंट सॉरी कमेंट सेक्शन नहीं कहना जी हम लोग उसको जल्द से जल्द साइकिल का जो टॉपिक रहेगा कंप्लीट करेंगे क्योंकि ये भी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है तो ये बात तो यहाँ कंप्लीट हो गई तो कहने का मकसद यहाँ पर क्या है कि जो आ, प्राइमेट्स होते हैं नॉन ह्यूमन हो या ह्यूमन प्राइमेट्स हो सभी में मेंस्ट्रुअल साइकिल और ईस्ट्रा साइकिल का बहुत ज्यादा रोल प्ले होता है उसी के बेसिस पर यहाँ पर कोर्टशिप जो रहती है वो डिपेंडेंट होती है अब दूसरी बात यहाँ पर क्या होती है कि ऐसे बहुत सारी कोर्टशिप में आ, प्राइमेट्स के अंदर अगर देखा जाए तो कोर्टशिप के बहुत सारे एक्ट्स होते हैं जो कि बहुत मेल और फीमेल शो करते हैं आ, जिसमें बहुत सारे अपीजमेंट पोस्टर्स रहते हैं ये सारी चीजें आपको क्लियर होना चाहिए दूसरी बात अगर हम करते हैं यहाँ पर कि जो नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स होते हैं क्योंकि अभी हम नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स की बात करें इनमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि स्टेप बाय स्टेप होते हैं जो कि कोर्टशिप बिहेवियर में होते हैं जैसे कि सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ फीमेल बाय अ मेल फ्रॉम द ग्रुप क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर एक ग्रुप है अभी आप मंकी का एग्जाम्पल लेके समझिए ये ग्रुप है इसमें बहुत सारे मेल है और इसमें बहुत सारी फीमेल्स भी है ये ग्रुप है अब इन मेल्स को यहाँ सर्च करना है कि यहाँ पर फीमेल्स कौन सी है तो सबसे पहले क्या होगा आइडेंटिफिकेशन होगा फीमेल का क्योंकि कई हद तक उनमें भी उनको आइडेंटिफाई तो करना होगा ना उस चीज को सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फीमेल फीमेल को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देती हूँ ठीक है ये फर्स्ट चीज होती है सबसे पहले तो मेल्स जो होते हैं ग्रुप के अंदर ये चेक करते हैं कि फीमेल्स कहाँ पर है देन परसुएशन ऑफ द फीमेल बाय अ मेल मेल क्या करता है फीमेल को परसुएट करने की कोशिश करता है सो दैट शी कैन मेट विथ हर सो परसुएशन ऑफ फीमेल इज द सेकेंड थिंग उसके बाद क्या होता है जो फीमेल होती है वो भी आइडेंटिफाई करती है कि एज एफ वो प्रॉपर मेल है या नहीं या फिर वो उसके कंपेटेबल है या नहीं ये सारी चीजें फीमेल भी चेक करती है तो अब की बार यहाँ पर क्या हो रहा है फीमेल आइडेंटिफाइज मैं ऐसा लिख देती हूँ फीमेल आइडेंटिफाइज मेल अब फीमेल आइडेंटिफाई करती है किसको मेल को आइडेंटिफाइज मेल फाइन उसके बाद जो मेल है वो फीमेल के क्लोजर आएगा तो सो मेल एंड फीमेल गेट क्लोजर सो क्लोजर लिख लेते हैं यहाँ पर देन वो जो मेल रहेगा ही चेक देनेट एलिया और फीमेल फिर उसके बाद फीमेल जो होती है वो सिग्नल सेंड करती है देट शी इज विलिंग ऑन नॉट फॉर द मेटिंग प्रोसेस उसके बाद जो पेयर बॉन्डिंग होगी पेयर बॉन्डिंग का प्रोसेस आपको पता है क्या होगा एक पेयर जो फॉर्म हो जाता है एनिमल्स के अंदर हर एनिमल्स के अंदर ये चीज होती है तो एक पेयर बॉन्डिंग होती है फिर उसके बाद इस टाइम पे जो फीमेल्स होती है इफ शी इज रेडी शी इज गोइंग टू शो दैनिटेलिया देन मेल चेक्स हर विजुअली एंड फिजिकली आप इस तरह से समझ सकते हैं उसके बाद थोड़ा ग्रूमिंग एंड कोटिंग बिहेवियर जो होता है वो होगा यहाँ पर ग्रूमिंग एंड कोटिंग बिहेवियर ग्रूमिंग एंड एक सेकेंड ग्रूमिंग एंड कोटिंग बिहेवियर ये चीजें हो सकती है उसके बाद क्या होता है मेटिंग पेयर जो है वो तो कॉमन है फिर उसके बाद जो रोल होते हैं फेरोमोन्स के जो अट्रैक्ट करते दोनों पार्टनर्स को वो इविडेंट होते हैं ज्यादातर एप स्पीशीज में जितनी भी मंकीज वगैरह होते हैं एप स्पीशीज उसमें किसका रोल प्ले होता है बहुत ज्यादा फेरोमोन्स का फेरोमोन्स क्या होते हैं तो फेरोमोन्स के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है तीन पार्ट्स है ज्यादा बड़े नहीं है टू थ्री पार्ट है और सबकी टाइम पीरियड भी टू थ्री मिनट से ज्यादा नहीं है तो आप उसको इजिली चेक करेंगे आपको सारी चीजें क्लियर होगी और इथोलॉजी की प्ले में आपको फेरोमोन्स मिल जाएगा दूसरी बात अब यहाँ पर आप ये लिखेंगे रोल ऑफ फेरोमोन्स इज इन अट्रैक्टिंग बोथ पार्टनर्स इज इविडेंट इन मोस्ट ऑफ द एप स्पीशीज उसके बाद कुछ स्पेशल जेस्टर्स होते हैं कुछ ऐसे uh, इशारे टाइप रहते हैं इन एनिमल्स में जिससे वो ये शो कर रहे हैं दैट दे आर गोइंग टू मेट तो जेस्टर्स होते हैं पोस्टर्स होते हैं फिर उसके बाद वोकलाइजेशन होता है एक तरह की आवाज निकालना वो भी इन एनिमल्स में देखा जाता है वोकलाइजेशन तो इज डन फिर उसके बाद फिजिकल इंस्पेक्शन फिजिकल इंस्पेक्शन ये भी होता है इनमें फिजिकल इंस्पेक्शन एक दूसरे को देखना फिर जो ये सारी चीजें हैं ये कंप्लीटली इनमें देखी जाती है तो आप इसको लिख सकते हैं नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स के अंदर सो तो ये यहाँ पर हमारा लगभग कंप्लीट होता है पोर्शन अब हम